क्रूरतापूर्ण हुआ, पूरा समाज विरोध में गया। हमेशा होता नहीं है, लेकिन इस बार मुस्लिमों के भी कुछ प्रमुख लोगों ने इसका विरोध किया, उसको गैर इस्लामिक बताया। अन्याय, असत्य, अत्याचार, आतंक के खिलाफ ऐसे ही खड़ा होना चाहिए, ये अपवाद न रहे। सभी समाजों के सज्जनों को ऐसा मुखर होना चाहिए। हिंदू समाज में ये मुखरता है, ऐसी घटनाएं घटती है तो कोई हिंदू भी आरोपित है उसका भी निषेध करते, उसके खिलाफ बोलते हैं। कभी कभी गलतफहमी में हमको भी गाली खानी पड़ी है, हमको भी उत्तर देने पड़े। आज हम समाज के विश्वास पात्र है, समाज हमको चाहता है, लेकिन हम ऐसा कुछ करें तो हमारी टांग और कान पकड़ के खींचेगा समाज। हिंदू समाज ऐसा है, सबको ऐसा बनना चाहिए। जो गलत है, कितना भी प्रोवोकेशन हो, कितना भी उकसावा हो, कानून के मर्यादा में रहना चाहिए, संविधान की मर्यादा में रहना चाहिए। अपना आचरण उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। वो हम सब ने मिलकर अपने ऊपर लाद लिया अनुशासन है, उसका पालन करना ही चाहिए। नहीं करते तो गलत आचरण है, उसके खिलाफ मुखर होना चाहिए। ये मुखरता समाज का स्वभाव बनना चाहिए। इसके नियंत्रण में सक्रियता और सहयोग समाज का स्वभाव बनना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। कानून संविधान के मर्यादा सबको पालन करनी चाहिए, और उसके अंदर विरोध जताते समय भी अपने बोलने से समाज जुड़े, जुड़ जाए, टूटे नहीं। दिल को किसी के तोड़े मत, श्रद्धा को किसी को श्रद्धा को ठेस न पहुंचाए, इसका इसकी चिंता करनी पड़ेगी, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि हम सब लोग दिखते भिन्न है, लेकिन हम दिखते अलग है, इसलिए हमारा अलगाव है। हम एक दूसरे के नहीं है, हम भारत से अलग है, हमको अलग चाहिए। ये गलत विचार है, इस गलत विचार का दुखभरा परिणाम हमने देखा है। ऐसा गलत विचार करने के कारण भाई टूटे, धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान, ये प्रसंग हुआ। हमको फिर से उस रास्ते से नहीं जाना है, हमको एक रहना है, हमको एक रहना है तो हमको भारत होना है। हम भारत के, हम भारत के पूर्वजों के, हम भारत के संस्कृति के हैं, हम भारत के पूर्वजों के हैं। हम चाहे पंथ संप्रदाय से अलग अलग हो, भाषा प्रांत से अलग अलग हो, खानपान रीति रिवाज अलग अलग हो, हम समाज और राष्ट्रीयता के नाते एक है। अपने दशहरा कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाया है। संतोष यादव ने सरसंघ चालक मोहन भागवत के साथ पूजा अर्चना की। मोहन भागवत ने नागपुर के आरएसएस मुख्यालय में परंपरागत शस्त्र पूजा की। इस दौरान सरसंघ चालक ने अपने संबोधन में कहा कि हम कौन हैं, हमारी आत्मा क्या है, इसकी स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें ये जानकारी होगी तो हमें प्रगति का रास्ता साफ साफ दिखेगा। इस दौरान मोहन भागवत ने बिना नाम लिए PFI पर निशाना साधा और कहा कि हमारे बीच दूरियां बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करते रहते हैं, जिससे देश में आतंक का वातावरण बने। लेकिन जो कार्रवाइयां चल रही हैं, वो आपको बता दें कि मन से समाज उसमें फंसे हुए जो लोग हैं उनको निकालने की ये कोशिश है। तो शुभ और शांति का आधार है शक्ति, ये मोहन भागवत की तरफ से कहा गया। आपको बता दें कि जिस तरह से मोहन भागवत ने दशहरा के मौके पर देश को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने कहा कि नारियों की स्थिति पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जगत जननी मानते हैं लेकिन उन्हें पूजा घर में बंद कर देते हैं, ये ठीक नहीं है। मातृशक्ति के जागरण का कार्यक्रम अपने परिवार से प्रारंभ करना होगा, फैसला लेने में महिलाओं को भी साबित करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, हमने देखा कि किस तरह से यूक्रेन में अमेरिका और रूस की लड़ाई में हमने अपने हित को सबसे आगे रखा। और साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हम लगातार सफल होते जा रहे हैं और स्वावलंबी होते जा रहे हैं। इसे नवोत्थान की आहट सुनकर हम भी प्रसन्न हो रहे हैं कि किस तरह से लगातार
देश जो है वो तमाम ऊंचाइयां छू रहा है। इन सब के बीच दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पहले यहां पर हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किस तरह से शस्त्र पूजन किया और दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजन किया। आरटीबीपी के जवान भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। देखिए दशहरा का दिन है आज और शस्त्र पूजन सबसे जरूरी है और साथ ही क्योंकि ये कहा जाता है कि 9 दिन जब मां की उपासना की जाती है और 10वें दिन यानी आज के दिन शस्त्र पूजन का जो विधान है उसको देखते हुए यहां पर शस्त्र पूजन किया गया। इन दोनों तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज नागपुर की तस्वीर, दूसरी तस्वीर भी हम आपको नागपुर की दिखा रहे हैं जहां पर शस्त्र पूजन किया गया। और पहली बार आप तस्वीरों में देखेंगे संतोष यादव जो कि पहली, ये कहा जा सकता है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब महिला अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नागपुर में आरएसएस प्रमुख ने शस्त्र पूजा की। इस मौके पर पहली बार महिला अतिथि के तौर पर संतोष यादव जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल हुई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही आपको लगातार क्योंकि ये तस्वीरों के जरिए देखें कि इस मौके पर पहली बार महिला अतिथि के तौर पर संतोष यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुई और साथ ही पर्वतारोही संतोष यादव शामिल हुई। ऐसा पहली बार है कि आरएसएस की दशहरा शस्त्र पूजा में कोई महिला शामिल हुई है। लेकिन इन सब के बीच किस तरह से आपने सुना मोहन भागवत को नौकरी जनसंख्या को लेकर भी बड़ी बातें कहते हुए वो नजर आए। दोनों दुख को दुख मन में मानता, धूल सुख की खोज की ना छानता, मोह आकर्षण भरे इस विश्व में राह अपने ध्येय की पहचान था, दूसरों के दुख को दूर करना उसके लिए विष भी पीना जिसको स्वीकार है, ऐसे व्यक्ति को भी साधना के द्वारा शक्ति का अर्जन करना पड़ता है क्योंकि साधना ही मुक्ति का शुभ द्वार है, शक्ति भी तो शांति का ही आधार है। समानो मंत्र समिति समानी, समानम मन सह चित्तमेशाम, समानम मंत्र अभिमंत्र मेवा, सब समान कहा है। चित्त अलग अलग हो सकता है इसलिए वहां साथ मिलकर चलने का निश्चय यानी सहचित्तता इसको बताया है। उस सहचित्तता के वातावरण में सबको साथ लेकर हमको चलना है और जैसा मैंने कहा चलना है तो चलते समय कठिनाई आती है, बाधाएं आती है, उनको जगत जननी मानना ठीक है लेकिन इसका मतलब उनको पूजा घर में हम बंद करके रखें, बाहर ना आने दे, ये ठीक नहीं है। एक तो उनको जगत जननी मान के पूजा घर में बंद करते अथवा द्वितीय दर्जे का मानकर घर में बंद करके रख देते। ये दोनों अतिवादिताओं को छोड़कर मातृशक्ति को सशक्त बनाना, प्रबुद्ध बनाना, उनको बराबरी के अधिकार से सार्वजनिक कार्यों में, परिवार के कार्यों में, सर्वत्र निर्णय की स्वतंत्रता और निर्णय में बराबरी की साझेदारी देते हुए सक्रिय करना, इसकी आवश्यकता है। और वहीं नागपुर में पर्वतारोही संतोष यादव ने कहा कि लोग तब मुझसे संघ के बारे में पूछते हैं जब मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, आज इस मंच पर आकर इसने पा रही हूं। क्या कुछ कहा संतोष यादव ने सुनिए जरा। मेरे व्यवहार से लोग मुझसे पूछते थे क्या तुम संघी हो, तो मैं कहती थी बड़े भोले मन से कि वो क्या होता है, मैं संघ के बारे में नहीं जानती थी। उस वक्त मैं एक छोटे से गांव से, प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव से हुई तो मेरा शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं था, तो मैं उसी उधेड़बुन में लगी रहती कैसे अपने शिक्षा का स्तर को ऊंचा करूं। मुझे दुनियादारी से बहुत ज्यादा संपर्क में मन, ये आप समझ सकते हैं कि पहली बार ऐसा नजारा होने वाला है कि
तीन पुतले एक ग्राउंड में नहीं होंगे। आमतौर पर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के तीन पुतले होते थे, लेकिन यहां नौ पुतले देखने को मिलेंगे। खास बात क्या है? खास बात यह है कि इनमें पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने की कोशिश है। डिजिटल साउंड और लेजर लाइटिंग के माध्यम से यहां पर इस तरह का नजारा शाम को तैयार किया जाएगा जो बेहद भव्य होगा। लाइटिंग रंग बिरंगी रोशनी के बीच बाकी लाइटिंग बंद कर दी जाएगी और पुतलों पर जो लाइटिंग होगी, जिसमें आंखों पर चमक होगी, लेजर लाइटिंग होगी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों के साथ साथ जो जीभ है रावण की, वो उसे हिलाया जाएगा। एक एक अनुभव, नया अनुभव यहां पर होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक इसको एक्सपीरियंस करने के लिए तमाम लोग जो हैं वो कितने बेकरार हैं। जब लोगों से हमारी बात भी हुई तो दर्शक यहां पहुंच रहे थे और पहुंच भी रहे हैं। देखिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ उसे एक्सपीरियंस करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं और बात भी कर लेते हैं। हालांकि एक बार पहले बता दूं कि 5 लाख पास जो है वो जारी किए जा चुके हैं। लाखों की संख्या में यहां पर जो दर्शक है वो रहने वाले। आप सामने देखिए, ये बताइए, पहली बार 9 पुतले, किस तरह का एक्सपीरियंस हो रहा है? पहली बार देखने को बहुत अच्छा लग रहा है जी। नौ नौ पुतले जलेंगे जी। बच्चों के साथ यहाँ आए हैं, सेल्फी ली, क्या मैसेज पोस्ट करेंगे उसके साथ? हाँ जी, जी। बुराई की हार हुई और आखिरकार जो अच्छाई है वो जीतती ही है, तो आज वो दिन है, क्या कहेंगे? आज तो बुराई पर अच्छाई का दिन है, तो दशहरा उसी चीज का प्रतीक है। तो ये तो अच्छी बात है कि हमने आज पहली बार ऐसा देखा है कि 9 पुतले हैं। नहीं तो हमेशा हम हर साल 3 ही पुतले देखे। ये बहुत भव्य रामलीला ग्राउंड है, यहाँ हर साल इतने भव्य तरीके से बड़े स्तर पर रामलीला होती है। एक फिल्म स्टार भी यहाँ आने वाले हैं, तो किस तरह का अनुभव होने वाला है? हमें तो पता नहीं कि हम तो यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट बार आए हैं आज, लेकिन कैसा अनुभव है? अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे बेटा? हैप्पी दशहरा। तो देखिए, क्यूट सी बच्ची है, उसकी स्माइल से आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह का अनुभव यहाँ फील कर रही है। फिल्म स्टार प्रभास यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं, बाहुबली फेम, और वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ मौजूद रहेंगे। मैं एक बार पवन जी को कहूंगा मंच जरूर दिखाएं। लव कुश रामलीला कमेटी का ये मंच, भव्य मंच तैयार है। क्रेन के माध्यम से भी यहाँ पर रामलीला का जो एक्सपीरियंस है वो लोग कर पाते हैं, और सामने से लेजर लाइटिंग होगी और लेजर साउंड इफेक्ट होंगे। तो वो किस तरह के होंगे और किस तरह का बड़े पर्दे का एक अनुभव जो होता है वो लाइव एक्सपीरियंस के रूप में दर्शकों को यहाँ देखने को मिलेगा। तो उस एहसास को महसूस करने के लिए, और क्योंकि एक बड़ा अंतराल रहा कोरोना काल में जब लोग रामलीला को मिस कर रहे थे, तो अब वो खुलकर जो रामलीला है वो अब शुरू हो गई थी, और इसके बाद ये जो भव्य नजारा है रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों के दहन का, तो एक अलग जो इंजॉयमेंट है उसको फील करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे जी। चलिए ठीक है, जतिन आपके पास आएंगे। साथ ही महिमा कटारिया हमारे साथ रामलीला मैदान से बनी हुई हैं। महिमा, मैं आपके पास आना चाहूंगी और ये समझना चाहेंगे, क्योंकि दशहरा हर साल मनाया जाता है, रावण का दहन हर साल किया जाता है, हालांकि एक युग में रावण का अंत हो गया है, लेकिन कुछ बुरे विचारों का मन से अंत होना जरूरी है। शायद इसीलिए हम कहते हैं कि किस तरह से आज ही के दिन बुराई के पर अच्छाई की जीत होती है, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है समझना। बिल्कुल अनन्या, आपने सही कहा कि किस तरीके से रावण का अंत तो बहुत सालों पहले हो चुका है, लेकिन बुराई की हार और अच्छाई की जीत ये प्रतीक होता है दशहरे का। और इस समय रामलीला मैदान, जो कि दिल्ली का सबसे पुराना रामलीला मैदान है, उसमें कुछ नजारा, मतलब 80 फीट का यहाँ पर जो तीन पुतले हैं, कुंभकर्ण हो गया, बीच में रावण हो गया और फिर मेघनाथ हो गया, इन पुतलों को लगाया गया है। और सबसे अलग अनुभव जो यहाँ पर लोगों को देखने को मिलेगा अनन्या, ये है कि कोल्ड अनार, जो कि मैंने पहले भी बताया, कोल्ड अनार ज्यादा लोगों को पता नहीं है क्या होता है। कोल्ड अनार से हालांकि आग तो निकलती है, लेकिन किसी का हाथ नहीं जलता है। तो कोल्ड अनार जब जलाया जाएगा, उसके साथ पटाखों का साउंड इफेक्ट दिया जाएगा और घास से इन पुतलों का दहन किया जाएगा लगभग, क्योंकि ये ग्राउंड का नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से जो सिटिंग अरेंजमेंट्स है वो सारी अरेंजमेंट्स की गई है। यहां पर चेयर्स लगा दी गई है, काफी वीवीआईपी जो है वो भी यहां पर आएंगे, क्योंकि ये रामलीला मैदान जो है ये सबसे पुराना रामलीला मैदान है, सबसे पुरानी रामलीला जो है यहां पर होती है। आप देख सकते हैं स्टेज जो है रामलीला का वो सेटअप था, तमाम चेयर्स यहां पर लगी हुई है, तमाम स्टॉल्स यहां पर लगाई जाएंगी, लगभग 50,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो यहां पर आ जाएंगे। लेकिन सबसे खास बात एक अंतराल के बाद अनन्या जो देखने को मिलेगी, क्योंकि लोग चाहे वो छोटा हो, जैसे जतिन ने बताया कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो भी अब आने लग गए हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। देखिए आप सामने भी देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है रावण को देखने आए। सर, मैं आपसे 2 मिनट अगर बात करना चाहूंगी, एक अंतराल के बाद अब दशहरा देखने को मिलेगा, 80 फीट का दशहरा है, कोई पटाखे तो नहीं जलाए जाएंगे, कितनी एक्साइटमेंट है? कम के चलाए जाएंगे, पर ये नाग बहुत है कि 3 साल बाद, कोविड के बाद, महामारी के बाद जो अब ये दशहरे का अवसर आया है, उसके लिए हम तो बहुत बहुत ही एक बहुत ज्यादा
आगे रामलीला देखनी है और ये रावण को रावण दहन देखना है। सर आप छोटी सी बच्ची को लेके आए, क्या नाम है इसका, कितने एक्साइटेड है आप? आना है, ये हमारे यहाँ से बच्चे छोटे छोटे उत्साह होता है हर साल आने के रावण देखने के लिए। शाम को जतिन आप भी हमारे साथ रहिएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो एक्साइटमेंट है वो बच्चों को लेकर है। और क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे पिछले दो सालों से अगर हम बात करें, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा क्राउड जो था वो नहीं देखने को मिले, कोने में आज बुराई के प्रतीक रावण का पुतला दहन किया जाएगा। हम आपको देश के कई राज्यों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां रावण दहन की तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, आगरा, रायपुर, ग्वालियर, कोटा, फरीदाबाद, बीकानेर, वाराणसी, तमाम जगह की तस्वीरें, लगभग 10 जगह की तस्वीरें, किस तरह से देश में विजयदशमी की धूम देखने को मिल रही है। और साथ ही शाम के वक्त जब रावण दहन किया जाएगा उसको लेकर तैयारियां जो हैं वो किस तरह की गई है, क्या खास ख्याल रखा गया है, चाहे दिल्ली की बात कर लीजिए, चाहे लखनऊ की बात, जयपुर की, आगरा, रायपुर, ग्वालियर, किस तरह से रावण दहन किया जाएगा उसको लेकर तैयारियां क्या है। क्योंकि अगर हम पिछले दो सालों की बात करें तो कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा क्राउड नहीं देखने को मिल रहा था, लेकिन अब स्थितियां काफी ठीक हुई हैं, जो तमाम पाबंदियां लगाई गई थी वो भी हटी हुई हैं। इसको देखते हुए लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और बड़ी संख्या में लोग मैदानों में पहुंच भी रहे हैं। तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिल्ली की दिखा रहे थे, हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी भी ले रहे थे कि आज क्या खास देखने को मिलेगा, क्या खास होगा, उसको लेकर आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं। लेकिन इन 10 तस्वीरों के जरिए देखिए और समझिए, एक समय में रावण का दहन तो हो गया, रावण का तो अंत हो गया, लेकिन जरूरी यह है कि कुछ बुरे विचारों का अंत जरूर होना चाहिए, और उसको लेकर ही कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है। पर अच्छाई की जीत का त्योहार विजयदशमी आज है और उसके लिए तमाम तैयारियां हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन लोगों में किस तरह का उत्साह है देश की राजधानी में वो भी दिखाना जरूरी है। और लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि जहां हम दिल्ली के लवकुश रामलीला मैदान और यहां पर रावण दहन की बात कर रहे हैं और बेहद खास भी होने वाला है जो हमने आपको लगातार बताया है, तो उसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं और क्या कहां कहां से वो आए हैं वो हम बात कर लेते हैं। वैसे कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ युवा मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामलाल डांगी है, मैं उदयपुर से आया हूं और स्पेशली यही रामलीला देखने आए हैं। हाँ, ये प्रोग्राम ही देखने, विजयदशमी का प्रोग्राम हम देखने के लिए उदयपुर से आए हैं। प्रोग्राम तो बहुत खास रहने वाला है, क्या कुछ सुना है प्रोग्राम? और इस बार सुना है कि विजयदशमी पर वो साउथ इंडियन एक्टर प्रभास आ रहे हैं, इनको देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। हम यहाँ दो दिन पहले से यहाँ आके बैठ गए और हम देख रहे हैं कि हमारे को मिले टिकट ही, हमारे को कल शाम को मिला टिकट, मिलने का हमारे बहुत खुशी हुई। इसके बाद हम प्रफुल्लित है कि चलो हम सही जगह आ गए और हमने पहली बार ऐसा प्रोग्राम देखने जा रहे हैं हम। आप ही बताइए, यहाँ लाइटिंग रहने वाली है, एक अलग नजारा रहने वाला है और ग्रीन पटाखे भी इस बार अलाउ नहीं है, पटाखे अलाउ नहीं है, तो साउंड इफेक्ट होगा, लेजर इफेक्ट होगा, कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है, बिकॉज क्यों शाम को 4 बजे बाद जो लाइट एक्सपीरियंस होगा, लाइट्स ऑफ होगी और बहुत ही अच्छा रावण दहन होगा, वो भी प्रभास के द्वारा, जिनके बहुत बड़े फैन है, जिन्होंने बाहुबली मूवी बनाई, हम लोग उनके इतने बड़े फैन है, उनको देखने के 2 दिन से वेटिंग है कि हम लोग क्या उत्साह उनका है या रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतलों का भी? दोनों का है, हमको विजयदशमी का भी है और प्रभास जी उनको देखने का, दोनों उत्साह है। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अलावा जो वॉलंटियर्स हैं वो मौजूद रह रहे हैं और साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है, ड्रोन कैमरों से भी निगाह रखी जा रही है, आईबी का अलर्ट भी है, उसको भी ध्यान में रखा गया है। लेकिन क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है और शाम को 4 बजे से रामलीला का मंचन शुरू हो जाएगा, उसके ठीक बाद यहाँ पर गेस्ट आने शुरू हो जाएंगे जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और फिल्म अभिनेता प्रभास जो है वो आने वाले हैं। और साथ साथ लोग एक संदेश भी देना चाहते हैं कि किस तरह से पॉल्यूशन जो है वो कम किया जाए, देश की राजधानी के लोग भी चाहते हैं कि पॉल्यूशन कम किया जाए और इसीलिए इस बार जो लाइटिंग की व्यवस्था है वो अलग तरीके से होगी। बड़े पर्दे पर जिस एक्सपीरियंस को आपने बॉलीवुड की फिल्मों में या टॉलीवुड की फिल्मों में देखा है उसी एक्सपीरियंस को यहाँ फील कर पाएंगे और जोश जो है वो लगातार देखते बन रहा है। दिल्ली में कैमरामैन पवन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। आज दशमी का दिन है, दशहरे का दिन है, दशहरे का पावन उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, एक पर्व जिस पर अच्छाई की जीत होती है और बुराई की हार होती है। आज जहां पर रावण का दहन होगा, इस समय हम राजधानी दिल्ली के पंडाल में हैं, मिंटो रोड का ये पंडाल है, लेकिन आज दशमी के दिन कई लोग जहां पर खुशियां भी मनाएंगे वहीं शाम के समय, क्योंकि आज माँ का जाने का यानी विसर्जन करने का दिन है, अब माँ अगले साल वापस आएगी, लेकिन विसर्जन किस तरीके से होगा वो हम आज आपको इंडिया न्यूज पर दिखा रहे हैं। क्योंकि सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे मैं चाहूंगी दिखाना कि इस
पंडाल के पीछे की साइड ये खड्डा खोद दिया गया है जिसके अंदर पानी भरा जाएगा और यहीं पर माँ की प्रतिमा को विसर्जित किया जाएगा। ये कहा जाता है कि माँ आज अपने 4 बच्चों के साथ वापस अपने घर लौट जाती है और ये सारी उम्मीद रहती है कि अगले साल माँ फिर वापस आएंगी। तो जहां पर रावण के दहन होगा शाम के समय, वहीं उस समय माँ की मूर्ति का विसर्जन होगा। यहाँ पर तमाम चीजें होंगी, सिंदूर खेला किया जाएगा क्योंकि बंगाली जो होते हैं वो सिंदूर खेला करते हैं। आज के दिन दशमी के दिन नौमी अष्टमी दशमी ये सारे जो 3 डेज होते हैं ये बहुत प्रोमिनेंट होते हैं क्योंकि अष्टमी और नवमी के बीच का जो संधि आरती होती है वो बहुत प्रोमिनेंट होती है। और आज दशमी के दिन, क्योंकि नवमी जो दिन होता है वो आखिरी दिन कहा जाता है क्योंकि दशमी के दिन माँ का विसर्जन होता है, और आज यहाँ पर इस पंडाल में इस पर्टिकुलर पॉन्ड के अंदर माँ का विसर्जन किया जाएगा पूरे रीति रिवाज के साथ। ब्रिटिश जर्नलिस्ट अविनाश के साथ महिमा कटारिया। इस समय मौजूद है दिल्ली के लाल किले पे, जहाँ पर लौकुश रामलीला कमेटी तमाम तरह से आयोजन करा रहा है रामलीला की, और रामलीला आयोजन के बाद से दशहरे का पर्व जो आता है काफी अहम होता है। इस दशहरे पर्व में लोग रावण को जलाते हैं, लेकिन सवाल दिल्ली का इस बार यूं बना हुआ है कि रावण क्या इस बार दिल्ली में जिंदा रहेगा, क्योंकि कीट पटाखों पे भी अब सरकार ने पूरी तरह से बैन लगा दिया है। तो ऐसे में एक साल के बैन के बाद से अब विकल्प क्या है, कैसे जलेगा रावण। लेकिन लौकुश रामलीला कमेटी ने पूरी तरह से तैयारियां कर रखी हैं और कहीं ना कहीं 3 रावण इस बार उन्होंने तैयार किए हैं, और तीनों रावण के लिए जो है 3 गेस्ट यहाँ पे मौजूद होंगे जो दशहरे के दिन मौजूद होंगे। यानी दशहरे का दिन सीएम अरविंद केजरीवाल की बात कर लें, या फिर जो फिल्म जगत के साउथ के सबसे बड़े हीरो और बाहुबली प्रभास कुमार, वो भी यहाँ मौजूद होंगे। और तीनों लोग अलग अलग ढंग से अपने तरीके से ये तीनों रावणों का वध करते नजर आएंगे। लेकिन इस वध करने के बाद से अब रावण का दहन कैसा होगा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ बरकरार है कि आखिर कौन सी वो टेक्नोलॉजी होगी, किस टेक्नोलॉजी के दम पर यहाँ पर तीनों रावण का दहन किया जाएगा, और कैसे इस रावण का अंत होगा। सबकी निगाहें वहां बनी हुई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साथ में कहा है कि पोल्यूशन को देखते हुए ग्रीन पटाखे पर भी एक साल के लिए पाबंदी लगा दी गई है। अब 2023 की पाबंदी के बाद से बीजेपी लगातार यह दरख्वास्त एलजी के पास भेज के कह रही है कि देखिए कम से कम ग्रीन पटाखे के जलाने के लिए अनुमति दे दीजिए, लेकिन अभी तक कोई अनुमति नहीं मिला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ग्रीन पटाखे पर जो लगा प्रतिबंध है उस पर एलजी साहब क्या कुछ अपनी टिप्पणी देते हैं। लेकिन उससे पहले रामलीला कमेटी पूरी तरह से तैयार है और अपने गेस्ट को यहाँ पे साजो सज्जा और तैयारियों के साथ तीनों रावण को तैयार कर रही है। इस वक्त हम जयपुर के आदर्श नगर दशहरा मैदान में मौजूद है, और जयपुर के इसी मैदान में सबसे बड़ा रावण का पुतला जलाया जाता है। तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। 130 फुट का रावण का पुतला है और 90 फुट का मेघनाथ का पुतला इस दशहरे मैदान में जलाया जा सकता है। देख सकते हैं एक विशाल का जो पुतला है रावण का, वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, और बड़ी ही रंगीन और भव्य आतिशबाजी के साथ जो है ये रावण का पुतला यहाँ पर जलाया जाएगा। तस्वीरें देखें, बड़ा ही खूबसूरत तरीके से पिछले कई दिनों से इन पुतलों पर जो कारीगर यहाँ पर मेहनत करते हुए इन पुतलों पर नजर आ रहे हैं, और अभी भी इन पर लगातार जो विशाल का पुतलों पर काम जारी है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रावण के जो पुतले को कितने तरीके से सजाया जा रहा है, और हम उनसे भी बात करेंगे जो रावण का पुतला बना रहे हैं काफी कई पिछले दिनों से, उनसे भी खास बातचीत करेंगे। आप ही बना रहे हैं रावण का पुतला, कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं आप रावण के पुतले के लिए और कब से बना रहे हैं? 1.5 महीना हो गया साहब, बराबर लगे रहते और करीब रात को 2 बज जाते, 2-3 बज जाते, सुबह 6 बजे से लगते रात को 2-3 बज जाते। इतने बड़े पुतले बना रहे हैं, कितने दिन लगता है इन पुतलों को बनाने में? 1.5 महीना लग जाता है साहब। मतलब आप लोग 1.5 महीने से इन पुतलों को यहाँ पे बना रहे हैं? 1.5 महीने से 12-14 आदमी की लेबर लगी हुई है, बराबर अपने काम में बिजी है। ये थे हमारे साथ जो कारीगर है, 5वीं पीढ़ी जो है रावण के पुतले बना रही है, और विशाल का जो रावण दहन होगा पर आदर्श नगर जयपुर के दशहरा मैदान में होता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा। मेरे सहयोगी तनुज के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज जयपुर। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा। तो आज दशहरा का दिन है, और किस तरह से देश के तमाम बड़े शहरों में किस तरह से जो तमाम तैयारियां